नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना में गुरु रहमान के ठिकानों पर छापेमारी, हिंसक प्रदर्शन के दौरान छात्रों को भड़काने का आरोप। पटना में जल जमाव को लेकर बनाई गई क्विक रिस्पॉन्स टीम, जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग संस्थान चलाने पर प्रशासन सख्त, पकड़े जाने पर देना होगा मोटा जुर्माना। मुजफ्फरपुर में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के लिए चाहिए 4000 और शिक्षक, विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित, अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन का शिक्षा पर दिखने लगा असर। इंटर में एडमिशन के लिए 22 से करे आवेदन, जाने किस बात का रखना है ख्याल। पटना में 37 और गया में 18 मिले नए कोरोना पॉजिटिव, राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 180 के पार पहुंची। बिहार में नई तकनीक से की जाएगी सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी, विभाग ने वामिस सॉफ्टवेयर व ऐप किया तैयार। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद अब प्रशासन आरोपियों को पकड़ने के लिए सक्रिय मोड में दिख रहा है। प्रदर्शन के पीछे कई कोचिंग संस्थानों का हाथ होने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर पटना के 6 कोचिंग संस्थानों पर मामला भी दर्ज किया गया है। इसी क्रम में पटना के जाने माने कोचिंग संचालक गुरु रहमान के कई ठिकानों पर सोमवार को छापेमारी की गई। गुरु रहमान के अदम्य अदिति कोचिंग के साथ साथ उनके घर पर भी छापा मारा गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह छापेमारी अग्निपथ योजना के विरोध में किए गए प्रदर्शन को लेकर चल रही है। हालांकि गुरु रहमान ने इससे पहले कहा था कि छात्रों के प्रदर्शन में उपद्रवी शामिल थे और अगर किसी कोचिंग संस्था के शिक्षक ने छात्रों को उकसाने का काम किया हो तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। गुरु रहमान ने कहा था कि अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन में उपद्रवी शामिल थे, यदि किसी कोचिंग संचालक की छात्रों को उकसाने में भूमिका हो तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा था कि उपद्रवी तत्वों ने छात्रों के प्रदर्शन पर कब्जा कर लिया और फिर उत्पात मचाया है। यह छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। पटना के कई इलाके हर बार मॉनसून की बारिश में डूब जाते हैं, इसी बात से सबक लेते हुए इस बार नगर विकास विभाग ने जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए पटना में क्विक रिस्पॉन्स टीम गठन किया है। इसके साथ ही विभाग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। पटना के सभी 75 वार्डो के लिए 19 क्विक रिस्पॉन्स टीम को तैनात किया गया है। इन टीम के सदस्यों को पूरे दिन वार्डों पर नजर रखने का निर्देश भी दिया गया है। नगर विकास विभाग ने दावा किया है कि अगर किसी भी इलाके में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होगी तो उसे कुछ ही घंटों में दूर कर दिया जाएगा। नगर विकास विभाग ने लोगों की मदद के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जल जमाव की स्थिति में विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर 1553 04 पर कोई भी व्यक्ति फोन करके मदद ले सकता है। फोन करने के 15 मिनट के अंदर क्विक रिस्पॉन्स टीम मौके पर पहुंचकर जल जमाव से छुटकारा दिलाने का काम करेगी। अग्निवीर योजना के तहत सेना बहाली में हुए बदलाव के बाद दिखे पवार को ध्यान में रखते हुए जिले में अब प्रशासनिक दृष्टिकोण से सख्ती दिखने लगी है। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार चौधरी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब जिला में बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोचिंग संस्थान मुख्यालय और प्रखंड क्षेत्र में संचालित नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होते हैं तो उन पर 25,000 से लेकर 1,00,000 तक का जुर्माना होगा। जिला प्रशासन छात्र युवाओं के आंदोलन को सीधे कोचिंग संस्थान के द्वारा उठाए गए बदलाव के रूप में देख रही है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा यह सख्त कदम उठाया गया है। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में जिले के प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों में 3,987 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जिले से राज्य कार्यालय को रिपोर्ट भेज दी गई है। विभाग की ओर से 7वें चरण में 1.40 का शिक्षक छात्र अनुपात दुरुस्त करने की तैयारी है। विभाग 3 मानकों पर रिक्ति की गणना करने का निर्देश दिया गया है। इसमें मार्च 2022 तक के रिटायरमेंट और 6वें चरण के शेष सीटों के साथ ही शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर भी गणना की गई है। इस साल मार्च में 6वें चरण के अंतर्गत 3,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अब 7वें चरण के लिए जिले में 3,987 रिक्ति भेजी गई है। नियोजन इकाईवार सीटों की गणना के बाद विभाग ने रिक्ति भेजी है। अब जिले के अधिकारियों को मुख्यालय के निर्देश का इंतजार है। जुलाई के अंतिम हफ्ते में प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। अग्निपथ स्कीम के विरोध का असर अब बिहार में
परीक्षाओं पर भी पड़ने लगा है। 23 जून को होने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में बताया गया है कि अपरिहार्य कारणों से 23 जून 2022 को 11 बजे से 1 बजे तक होने वाली बिहार राज्य स्तरीय 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 अगली सूचना तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री के आगामी सत्र के लिए बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन राज्य के 11 शहरों में आयोजित होना था। 11 केंद्रों पर ही सभी जिलों के परीक्षार्थियों की परीक्षा होनी थी। शहरों में प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 325 परीक्षा केंद्र बने थे। अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सभी केंद्रों पर परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर के लिए नामांकन की तिथि घोषित कर दी है। बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही छात्र छात्राएं इंटर में नामांकन के लिए इंतजार कर रहे थे। नामांकन के इंतजार में बैठे 10वीं पास छात्र छात्राओं के लिए यह राहत भरी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 22 जून से छात्र नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। 30 जून तक छात्र आवेदन कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। छात्र इसके लिए अपने पास के वसुधा केंद्र पर जाकर या मोबाइल फोन के माध्यम से 22 जून से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान छात्र अपने सुविधा के अनुसार कॉलेज का चयन कर सकते हैं। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि छात्र बोर्ड द्वारा जारी सूचना को ध्यान से पढ़कर आवेदन करें, साथ ही एक आवेदन के लिए एक मोबाइल नंबर का ही इस्तेमाल करें ताकि कोई तकनीकी गड़बड़ी न हो। राज्य में बीते सोमवार को कोरोना के 55 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे अधिक पटना जिले में 37 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही पटना जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 182 हो गई है, जबकि राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 308 है। पटना में 24 घंटे के अंदर 9 मरीज स्वस्थ हुए हैं। यहां कुल पॉजिटिव मरीजों में 18 दूसरे जिलों से यात्रा करके पटना आए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इनमें से एक पीएमसीएच के डॉक्टर और 2 आईजीआईएमएस के कर्मचारी हैं। अब स्वास्थ्य विभाग अब जांच का दायरा बढ़ाएगा। मालूम हो कि शुक्रवार को जिले में 40 मरीज पॉजिटिव मिले थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा जिले में 2-2 और बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, जहानाबाद, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, सारण, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल में 1-1 नए संक्रमित पाए गए हैं। राज्य की सिंचाई परियोजनाओं का प्रभावी प्रबंधन और निगरानी अब नई तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने 1 जुलाई से वामिस यानी कि वर्क्स अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक एक नई सूचना प्रणाली को अपनाने का फैसला लिया है। विभाग ने वामिस सॉफ्टवेयर के साथ साथ वामिस ऐप भी तैयार किया है। इसमें जल संसाधन विभाग के राज्य भर के अधिकारी अपने क्षेत्र की योजनाओं से संबंधित रियल टाइम अपडेट्स अपलोड करेंगे। अधिकारी विभिन्न योजनाओं के स्थल निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल से ही प्रोजेक्ट के संबंध में जरूरी सूचनाओं को अपलोड करेंगे। इससे कार्य की अगतन, प्रगति, मशीन और श्रम बल की उपलब्धता, जियो टैग्ड फोटो आदि शामिल होंगे। विभाग ने वामिस के सफल कार्यान्वयन के उद्देश्य से सभी क्षेत्रीय अभियंताओं और कर्मियों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। बिहार में देश विदेश से पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शुक्रवार को कैबिनेट में पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज पर 5 सितारा होटल के निर्माण व संचालन करने की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। यह निर्माण कार्य पीपीपी मोड में अगले 3 साल में पूरा हो जाएगा। तीनों होटल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके निर्माण में 800 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इन तीनों होटल को मिलाकर 1075 कमरे होंगे, जहां पर्यटकों को हर सुविधाएं मिलेंगी। जल्द ही विभाग इस संबंध में निजी क्षेत्र में निर्माण के लिए आवेदन दिया जाएगा, ताकि यहां बड़ी बड़ी कंपनियां निर्माण कार्य में आएं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। इस मौके पर विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें बिहार बालू खनन नीति 2019 में संशोधन और नई बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज पर 5 सितारा होटल के निर्माण व संचालन करने की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। बालू खनन नीति 2019 में संशोधन के तहत बालू घाटों के
बंदोबस्ती अब जिलाधिकारी के स्तर पर होगी। 5 साल तक बंदोबस्ती होगी। बंदोबस्त लेने वाले ठेकेदारों को पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित बालू घाटों की 5 सालों के लिए बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य की नई बालू खनन नीति की स्वीकृति के बाद बालू घाटों की बंदोबस्ती के शुल्क में 50% की वृद्धि की गई है। अब बालू घाटों की बंदोबस्ती 5 सालों के लिए जिलाधिकारी द्वारा ई नीलामी सटेंडर के माध्यम से होगी। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें।